अब हम आ चुके हैं नागेश्वर मंदिर, तो अब चलते हैं देखते हैं कैसा क्या है। और आप ये देख सकते हैं आज नागपंचमी है, इस चक्कर में यानी नागपंचमी के दिन मैं गया था, तो उस चक्कर में यहाँ पे सांप आप वगैरह है, देख सकते हैं आप। मंदिर इतना अच्छा सजा है, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा था। तो अब चलते हैं अंदर देखते हैं। ओहो नाग जी, चलिए अब चलते हैं अंदर। आ चुके हैं अंदर जहाँ डेकोरेशन मेन एंट्रेंस यानी भगवान का जो गर्भगृह है। और ह्यूमिडिटी के लिए माफ़ कीजिएगा, अब देख सकते हैं भगवान का 56 भोग लगा था एक्चुअली। जय हो नागेश्वर बाबा। और ये पास ही में दुर्गा जी का मंदिर है, तो मैंने सोचा वहाँ का भी स्पॉट कर ले, दर्शन भी हो गए अच्छे से, आरती हुई थी अभी, आप देख सकते डेकोरेशन। अब हम चलते हैं जहाँ हमारा मेला है। मेला घूमना किसको पसंद नहीं होता, एक्चुअली मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि मेले में सब चीज़ें सस्ती मिलती है, एक्चुअली बनिया होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो झूले भी थे, बच्चों की ट्रैम्पोलिन थी, देख सकते हैं सामने ट्रैम्पोलिन। और ये ट्रैफिक तो बहुत है, नहीं जाम बहुत है, भीड़ देख सकते हैं। प्लीज़ अब जब भी आप आ जाए प्लीज़ अपना मास्क ला के जाए, मैं भी लगाया था। और ये रहा सब सामान मिल रहा है, सब खिलौने हैं बाकी। ये झूला मेरा फेवरेट रहता था हमेशा, ऑल टाइम फेवरेट। ओहो पानी पूरी हमने नहीं खाई कोविड के चक्कर में। और ओहो भाई साहब आज ये देखिए सामने ये वाला झूला जो लगा ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, पर आज नहीं झूला मैंने कोविड के चक्कर में। अब चलते देखते आगे। ये मेरा हुलागंज एरिया है यानी मेरे घर के पास ही, और ये मंदिर है दुर्गा जी का। यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, हर बार बहुत अच्छा डेकोरेशन था यहाँ का। और यहाँ पे गुड़िया उड़िया भी पीटी जाती हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं आजकल, यानी गुड़िया वाले दिन गुड़िया पीटी जाती हैं सारी नेगेटिविटी बाहर करने के लिए। जय हो भैरव बाबा। और ये आप मेला देख सकते हैं, बच्चों के लिए तो बिल्कुल धूम मची होती है आज के दिन। यहाँ पे देख सकते सब बच्चे कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, टॉयज। ये इधर भी ट्रैम्पोलिन लगा था और देख सकते हैं आप। और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को ठोक देना। ये देख सकते हैं कैटरपिलर बहुत चलती थी पहले, और इसको तो भूल ही नहीं सकते चकिया चोली जो बच्चों का लड़कियों का फेवरेट रहता था हमेशा। हाँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कभी आप मेले में गए हो तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और ये देखिए बताशे वाले अंकल मोमोज वगैरह भी लिए। अब चलिए कुछ पहले एक बार दर्शन करते हैं हनुमान जी के और शनिदेव बाबा के, फिर चलते हैं कुछ टेस्टी सा चटपटा सा खाने। जय शनिदेव बाबा की जय। अब चलते हैं बर्गर खाने। ओहो ये बर्गर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलिए अब अंकल कहते हैं एक बर्गर दीजिएगा। ये बढ़िया चटनी आ गई मोमोज वाली, और ये मुझे खाली 15 रुपीज़ का पड़ा है, बहुत अच्छा है यार, डील अच्छी थी और बर्गर बहुत ही टेस्टी था। तो अब चलते चाउमीन खाने। अब देखिए चाउमीन की मेकिंग, वो भी मेला वाली स्टाइल यानी ठेले स्टाइल वाली स्ट्रीट फूड। इन्होंने डाल दी हल्दी, अब डालेंगे ये काली मिर्च, नमक है ये, एंड अब काली मिर्च, विनेगर, सोया सॉस वगैरह डाल चुके हैं शायद से, अब ये मिक्स कर रहे हैं। मज़ा ही आ गया देख के, बढ़िया। अब इन्होंने सोया सॉस डाल दी, मिक्स किया, अब डाल रहे हैं, अब हमें देंगे। ये भी पता है आपको 15 रुपीज़ की मिली मुझे, और आप प्लेट का साइज़ और देख सकते खाली 15 रुपीज़ है मुझे मिली। वैसे चाउमीन ठीक थी टेस्ट पर, बर्गर बहुत अच्छा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस यानी पुरानी वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा।